हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हो पीछे ग्लासेस पड़े हैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी के बैठे थे। मेरे हस्बैंड चले गए सोने के लिए और मैं भी 5 मिनट सो के फिर आप लोगों से बात करने में मिरर के सामने खड़ी थी, अपने आप को देख रही थी, सॉरी। और आज मेरी सिस्टर को, कल मेरी सिस्टर की फ़्लाइट है और उसको आज दिल्ली जाना है, हमने उसको छोड़ने, क्योंकि कल उसकी फ़्लाइट है, कल एयरपोर्ट छोड़ने जाना है हमें। तो उसके बाद अभी मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं। ये देख सकते हो किचन का हाल, रोशनी पड़ रही है और पीछे, तो मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट काम ख़त्म करूँ। पहले मैं कपड़े देख के आऊँ जो मैंने कल वॉश किए थे छत पे, और धूप बहुत अच्छी है, ये पता नहीं क्या हो गया यार मेरी रात में ही ना। तो अभी मैं ना कपड़े देख के आती हूँ और जो कपड़े सूखने के लिए डालने हैं उनको डालती हूँ। रात को भी मैंने सूखा दिए थे वैसे, बट क्योंकि अभी कौन सा ठंड है, अगर रात को हम सूखने डाल देते हैं ना, देखना मेरी डबल चिन, अगर हम रात को सूखने डाल देते हैं ना तो वो रात रात में सूख जाते हैं, बस उनको धूप लगने की कसर होती है। और अभी धूप ही लग रही है शायद उनको, अब जाके देखती हूँ मैं कपड़े, धूप लगने लग रही है, दिमाग देखना क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी मैं कपड़े देख के आती हूँ, ऊपर सूख गए शायद। हेलो, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं जाने के लिए दिल्ली। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को देखने आए बेटे, इसमें ये पापा ने सेट किया, मत छेड़ो उसको। और पापा कहाँ है? पापा दादी है, पेपी। क्या लेने गए? पेपी दादी। क्या लेने गए? पेपी, पेपी दादी। पापा वो रहे केमिस्ट में, वो रहे कहाँ है, वहाँ वो खड़े हैं, वो देखो देख, वो सामने खड़े हैं, देख। अच्छा हेलो गाइस ने बोला आज आपने, ये दाई। हेलो गाइस, मम्मा आज माची के पास जा रहा हूँ। मम्मा ताती पादा मंजू माची पास जा रहा हूँ। तुम ही मैं याद हूँ। तुम हम लोग आ रहे हैं, तुम आ रहे हैं, लिखा तो है नहीं कहीं। तुम्हाला हिरदे हेरच होईल ना त्याने रीच तेच कोण मम्मी वीडियो बनाए जाते हैं, चुटलाए रहो। अच्छा, हेलो एवरीवन, तो मैंने आपको बताया था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ पर रुके, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया शायद। तो ये रहे हम लोग जा रहे हैं, बस अभी तो रास्ते में हमें ये भी नहीं पता है। हेलो मंजू। हाय। हेलो मम्मा। हाय। अभी तो हम रास्ते में ही है क्योंकि अब इसकी कल फ्लाइट है, ये चली जाएगी जर्मनी वापस और हम यहीं पे अभी इसको छोड़ने आए हम। तो अभी रुके रास्ते में, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे, वैसे तो हवा खराब निकली थी इसकी, हवा भराने के लिए खड़े थे हम यहाँ पे। मुझे देख रहे कितनी अच्छी लग रही है यहाँ से, आप दोनों कितने पतले लग रहे हो, मैं देख रहा कितनी मोटी लग रही हूँ। तो शूट कर रही है इसलिए। हाँ, ये भी हो सकता है मैं शूट कर रही हूँ इसलिए। पापा वो देखो, मेरे पापा वहाँ खड़े हैं सामने, दौड़ गए लगेज। ये देखो हमारे लगेज से पूरी गाड़ी भरी हुई है और पंप में खड़े हैं जहाँ पे हमारा गाड़ी का हवा भरा जा रहा था। वो कहाँ है? अच्छा, वो वहाँ खड़े हैं सामने सामने, वो हवा भरवा रहे हैं गाड़ी की। अभी टाइम लग जाएगा, अभी तो हमें मामूली भी 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, है ना, खाना मंजिल 2-3 घंटे लग जाएंगे। अभी भी 10 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे हम लोग, 10 बजे से पहले हम लोग नहीं पहुँचेंगे। फिर ले रहा है ना, देखना लिमका लेने, अच्छा वो लेने गया है। हाँ, अगर होटल में वाईफाई चलता हो तो मैं ये अभी शाम को अपलोड कर दूँगी वीडियो, है ना। चलेगा वाईफाई? हाँ, वाईफाई चल लिया है तो अभी ये शाम को अपलोड कर दूँगी। एक बारबेक्यू मशीन वाला वीडियो है वो कल करूँगी, फिर भी पोस्ट कर दूंगी। वो ना बीच बीच में बहुत लंबे लंबे क्लिप थे ना मम्मा, क्योंकि शूटिंग किया हमने, एक टाइम शूट करती रही मैं, तो वो तेरा कटिंग कर रहा हूँ ग्राउंड से, मैं तो ना हमें आपस में तो पूरा कर सकती हूँ, कैमरा में एरर पूरा कर सकती ना।
बस अभी वहाँ पहुँचते हुए रास्ते में शूट कर दूँ कि नहीं मंजू? हाँ आपने भाषा पनि त जरुरी छ नि त बोल्ना जरुरी छ किन नहोस् बोल्ना त जरुरी छ नि त तो कहाँ अभी हम कहाँ पहुँचे हैं बनाते तो है लोग बनाओ मन छोड़ दे ये देखो मेहंदी लगा के जा रही है ये जर्मनी जाने से पहले ये आयशा ने लगाई है ना रात को हाँ बहुत अच्छी मेहंदी लगी हुई है हाँ खुश डुगू की तरह हाँ डुगू बोलता है डुगुरिया ये भी तो करता है अभी ठीक हुआ था थोड़ा बहुत तो इसलिए पी रहा है हाँ अरे देख लो हाँ अरे तू गंदा टायर है अरे हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमें सफर करते हुए और अभी हम थक चुके हैं पूरी तरीके से क्या जल्दी जल्दी कॉफी ले लो अब वहां पर 11 बजे पहुंच जाओ यार निकल आ जाओ मम्मा अच्छा पीछे है बहुत अच्छी जगह है ना बहुत अच्छा है यहाँ पर एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है धर्म ढाबा धर्म का ढाबा ये तो उसमें लगा है पागल थंबनेल में हाँ फोटो खींच क्या मुन्ना सारे दस बजे पूरी होता है मुझे तैयार पाते ठीक है चाय ठीक है चाय समोसा भी है उसमें इसके अंदर है ना वो नहीं 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 फिर रोटी तो चाय खाली चाय पी लेते रोटी की भूख लगी हुई है ना ये तो बेचारे सिर्फ दो चम्मच चावल भी खा के आए मैंने तो नहीं मेरे को भूख लगी उसको लड़के को कुछ खिला देते हैं खा लो एक ले लो यहाँ पे हमारा फोटो सेशन चल रहा है मम्मी पापा सबका लाइटिंग पड़ रही है हम है यहाँ पे धर्म ढाबा है ना ये जो हमारे धर्मेंद्र जी उनका ढाबा है मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से हमारे नहीं है धर्म जी है वो धर्म जी हमारे धर्म जी तो है हमारे इंडिया के तो है वो सुपरस्टार बहुत अच्छी आ रही है एडिट करके और अच्छी हो जाएगी ये कैमरा क्वालिटी ऐसी क्यों दिखा रही है आज मेरे जो मैं भाग के जाती हूँ उनके पास सारे आईडी मंजू तेरी आईडी कहाँ है पहले ये बता मेरा तो पास था इधर ये मेरा आईडी मास्क तो उतार तेरी आईडी कहाँ है तेरी आइडेंटिटी ये रहे मैं हाँ ये तो मेरे भी तो तेरी कहाँ है मैं तेरी मम्मी चल मम्मी ना क्या पीना है भैया पानी मंगाना यार प्लीज डुगु क्या हुआ अंजू दोबारा बोलना क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो दोबारा बोल हाँ आधार कार्ड दोनों आइडेंटिटी नहीं पहचानी जा रही है कौन है कार भी पानी बेटा लेके आ रही है तो गाइस हम अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं
ये हमारा रूम है। हाँ बेटे अभी देखो ये अपने इनर में ही है। हालत देखो फेस की। हाँ ये व्लॉगिंग कर रहा था डुगु, पापा भी कैमरा उठा गए। कार्टून कार्टून दे, कार्टून हेरने वाला जगह। गाइस हमने डिनर वगैरह कर लिया और अपने रूम में आ चुके हैं। ये देखो ये घूम रहा है ऐसे, और हम भी अभी सोने की तैयारी में हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और ये यहाँ पे मिरर है जिसपे मैं ही आपको दिख रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लूँ। मिलती हूँ कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस, आप ही खुद ही आगे देख लो रजाई के अगर आके आप देखोगे ना तो फिर आप मैं सूट। हाँ जी, अरे मैनेज नहीं हो पाएगा। बेडशीट नहीं, वो जो ऊपर ओढ़ने वाली लगाई है, ब्लैंकेट, कंबल ब्लैंकेट दे देना कुछ। पापा ये बी, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट क्योंकि कल है हमारी मंजू की फ्लाइट, तो उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना। अभी हमने स्टे किया एक होटल में, वो भी हमारी तसल्लीगढ़ है होटल भी, है ना। बेकार बेकार, सबसे बेकार। फाइव स्टार में से वन स्टार भी ना दूं मैं ऐसे होटल को। इन्होंने जो ऑनलाइन तो ऐसे कर देते हैं, हम हाँ, ये करेंगे ये करेंगे, कुछ प्रोवाइड नहीं किया इन्होंने कुछ भी। जैसा हमें चाहिए था, जो हमने इनकी चीजें देखी थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, सबसे बकवास कुछ भी नहीं। बहुत हाय बेबी, क्या ये, व्हाट आर यू डूइंग। हमने होटल इसलिए किया यहाँ पे कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था कि हमें टाइम, ये नियर बाय एयरपोर्ट है बिल्कुल। ये एकदम, ये कैमरा कैसे फोकस नहीं हो रहा, एक मिनट फोकस। तो ये बिल्कुल नियर बाय एयरपोर्ट था ये होटल। हमारे मैक्सिमम 3 किलोमीटर भी नहीं है ना यहाँ से, तो इसलिए हमने ये होटल बुक करवाया था। और पिछले टाइम भी हमने यही होटल बुक कराया था, बट वो पीछे था, ये नाम इन्होंने चेंज कर लिया, एक्सचेंज किया है, तो तभी। तो ठीक है, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, लव यू ऑल, लेट गुड नाइट।